आदरणीय प्रधानाचार्य जी एवं आदरणीय शिक्षकगण एवं आदरणीय मेरे छोटे बड़े बहन भाइयों को मेरा सादर नमस्कार। मेरा नाम दीपांशु है, मैं कक्षा 8 का छात्र हूँ। मेरा आज का विषय है स्टोरी। तो एक राजा के पास एक हाथी था। उसका हाथी बहुत बीमार चल रहा था। उसने अपने सैनिकों से कहा कि जाओ ये हाथी गांव वालों को दे दो। और उसने गांव वालों को बुलाकर कहा कि जौन भी मुझे इसकी मरे हुए की खबर लाकर देगा उसे मैं मृत्यु दंड दूंगा। इसी बात से सहमत सब लोग उसे लेकर चले गए और उसे लेकर उसकी खूब देखभाल की। लेकिन वह कुछ दिनों बाद वह हाथी मर गया और सब चिंतित होने लगे कि अब कौन इसकी मरे हुए की खबर जाकर वहाँ पर देगा। लेकिन कोई भी वहाँ का व्यक्ति तैयार नहीं हुआ। तो एक गांव का आदमी वहाँ को गुजर रहा था। उसने पूछा, हे भाई क्या बात है? उसने वह सारी बात उसे बताई। तो वह बोला, बस इतनी सी बात, मैं जाकर राजा को बताता हूँ। वह राजा के पास गया और जाकर बोला, हे राजा, जो आपने गांव वालों को हाथी दिया था वह ना खाता है ना पीता है और ना हिलता है। राजा बोला, तो क्या हाथी मर गया? तो सभी गांव वाले बोले, राजा जी हमने नहीं कहा कि हाथी मर गया, आप ही नहीं बोला है कि हाथी मर गया। दैट्स ऑल, थैंक यू।